Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question social issues in advertising, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि advertising का society के ऊपर क्या negative impact होता है. तो सबसे पहला issue है plays with the public sensitivity and emotions, मतलब advertising जो है वो negative social impact लोगों के life पे create करता है. यहाँ पे critics ऐसे allege करता है, critics मतलब क्या, जो advertising के favor में नहीं है, और allege का मतलब है आरोप लगाना. तो जो लोग एडवर्टाइजिंग के फेवर में नहीं है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, जहां पे वो लोगों को एनकरेज करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करे, और वो प्रोडक्ट जो होते हैं जिसके ऊपर वो स्पेंड करते हैं वो या तो हार्मफुल होते हैं या फिर वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनको नेसेसरी नहीं होते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर ये एडवर्टीजमेंट का काफी बुरा परिणाम होता है कि एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं एडवर्टाइजर के द्वारा, और बच्चों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे बर्गर के एडवर्टीजमेंट है या ये चोकोस का एडवर्टीजमेंट है या ये कॉम्प्लेन का एडवर्टीजमेंट है, तो इन एडवर्टीजमेंट को इस तरीके से एडवर्टाइजर्स प्रेजेंट करते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे जो है ये सब चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. और ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफी कॉस्टली भी होते हैं, प्लस ये प्रोडक्ट का बच्चों के हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो इतने नेसेसरी भी होते नहीं है. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिक्स वगैरह को यूज किया जाता है, बहुत बड़े बड़े टॉल क्लेम्स वगैरह किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो इमोशनली वो प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाए और वो प्रोडक्ट को परचेस करे. तो इस तरीके से ये क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा पैसा स्पेंड करने के लिए एनकरेज करता है, और वो उनको ऐसे प्रोडक्ट परचेस करवाने के लिए एनकरेज करता है जो प्रोडक्ट उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और वो प्रोडक्ट उनको नेसेसरी भी होते नहीं है. और ज्यादातर ये एडवर्टाइजमेंट का जो परिणाम होता है वो बच्चों पे होता है, और बच्चों के साथ साथ दूसरे लोगों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है कि बहुत सारे दूसरे भी लोग होते हैं जो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट देख के वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं. तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पब्लिक के सेंसिटिविटी के साथ और इमोशंस के साथ खेला जाता है विद द एडवर्टाइजमेंट. Then second one is adversely affect the societal values. Now societal values मतलब कि हमारे सोसाइटी के कुछ मूल्य होते हैं, ओके? पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी पुअर टेस्ट के होते हैं, मतलब उसमें बहुत ही वल्गैरिटी दिखाई रहती है या न्यूडिटी दिखाई रहती है, और ये एडवर्टीजमेंट इतने इनडिसेंट होते हैं कि इनको फैमिलीज के साथ देखा नहीं जा सकता है, और या फिर ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं इनका टीनेजर्स के ऊपर वगैरह भी बुरा परिणाम हो सकता है. तो इस तरीके से वल्गैरिटी दिखाने की वजह से, न्यूडिटी दिखाने की वजह से या इनडिसेंसी दिखाने की वजह से एडवर्टाइजिंग जो है वो सोसाइटल वैल्यूज को एडवर्सली अफेक्ट करता है. एडवर्सली मतलब क्या, बुरी तरीके से अफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट वन इज इंक्रीजेस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट. मतलब एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ाता है और सोशल कॉस्ट भी बढ़ाता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे बढ़ाता है. सो जो भी प्रोडक्ट हेवीली एडवर्टाइज किया जाता है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज एडवर्टाइजर जो भी खर्चा प्रोडक्ट के ऊपर करता है एडवर्टीजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, कस्टमर के पास से उसको वसूला जाता है. तो ऑब्वियसली ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है. दूसरा, एडवर्टीजमेंट की वजह से सोशल कॉस्ट भी बढ़ता है, बिकॉज क्या होता है कि जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, और जब लोग ज्यादा कंजम्पशन करते हैं चीजों का तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट जो होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. बिकॉज जब डिमांड बढ़ता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल ज्यादा कंपनीज परचेस करती है, और जो रॉ मटेरियल होता है वो नेचर से लिया जाता है. तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नेचर को हार्म किया जा रहा है या नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है. सो एडवर्टाइजिंग की वजह से खर्चा बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्लस एडवर्टाइजिंग की वजह से कंजम्पशन बढ़ता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल जो नेचर से लिया जाता है उसकी वजह से एनवायरमेंट भी डिस्ट्रॉय होता है. तो एडवर्टाइजिंग जो सोशल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यूज मटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल. मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से इंसान के वैल्यूज भी चेंज हो रहे हैं, लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और लोगों का लाइफस्टाइल भी यहाँ पे चेंज होते जा रहा है. नाउ एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्शन ये है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से काफी ज्यादा डिसकंटेंटमेंट क्रिएट होता है. डिसकंटेंटमेंट मतलब क्या, अनहैप्पीनेस.
बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो मटेरियलिज्म प्रमोट करता है, मतलब यहाँ पे इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और कस्टमर्स को फिर कहीं ना कहीं पे ऐसे लगता है कि हमने ये प्रोडक्ट क्यों परचेस किया, हमको दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए था। तो प्रोडक्ट परचेस किया है वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो कस्टमर नहीं देखते हैं, कस्टमर और बेटर प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए था ऐसा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर को काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से कहीं ना कहीं पे कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करने के बाद भी डिसकंटेंट होते हैं, मतलब अनहैप्पी होते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होता तो लोगों को ज्यादा मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता और लोग ज्यादा कंटेंट रहते, मतलब हैप्पी रहते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से ज्यादा अवेयरनेस मिल रहा है, लोगों को ज्यादा मटेरियल के बारे में पता चल रहा है, जिसके वजह से लोग डिसकंटेंट होते जा रहे हैं। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का वैल्यूज के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि कोई एक यंगस्टर है जो ओल्ड एज पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे अगर एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाएगा तो वही वैल्यूज जो होते हैं वो देखने वाले यंगस्टर जो होते हैं वो कैरी करते हैं और वो लोग भी वैसे ही बिहेव करते हैं। सो एडवर्टाइजिंग जो हमारे वैल्यूज को भी अफेक्ट कर रहा है। मटेरियलिज्म, मैंने अभी आपको बताया कि लोग जो है वो प्रोडक्ट का मटेरियल देखते हैं। लोग जब एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो उनको हमेशा ऐसे लगता है कि हमको ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए था, हमको थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो भी लोग एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं वो कभी भी हैप्पी नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वो लोग मटेरियल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना कि खुद की रिक्वायरमेंट को। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारी नीड क्या है, ना कि उसका मटेरियल कैसा है। जैसे कि आपने कोई एक टेलीविजन परचेस किया, अभी आपने वो टेलीविजन क्यों परचेस किया, बिकॉज आपको टेलीविजन की नीड थी। फिर कुछ महीने के बाद में नया टेलीविजन मार्केट में लॉन्च होता है, उसका एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हो, तो आप लोग फिर ऐसे सोचते हो कि हमने वो नया टेलीविजन परचेस किया होता तो अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं पे आपने आपके रिक्वायरमेंट की चीज तो खरीदी है, लेकिन फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, बिकॉज एडवर्टीजमेंट ने आपको दूसरे किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। इसको ही कहा जाता है मटेरियलिज्म, कि लोग मटेरियल को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अपने नीड को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो ये भी क्या है, लोगों को डिसकंटेंट करता है। फिर लाइफस्टाइल भी चेंज होते जा रही है, मतलब हमारी इंडियन लाइफस्टाइल अलग होती है और एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत सारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल दिखाई जाती है और लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते जाते हैं और हम लोग हमारी लाइफस्टाइल भूलते जाते हैं। तो आप लोग ये सब भी लिख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से वैल्यूज को इफेक्ट करता है, मतलब कि जैसे मैंने आपको यंगस्टर्स का एग्जांपल दिया कि किसी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में एक यंगस्टर है जो ओल्ड एज पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे दूसरे लोग जो एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं उस वैल्यू को कैरी करते हैं और वो लोग भी वैसा बिहेव करते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट की वजह से मटेरियलिज्म बढ़ते जा रहा है और एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ते जा रही है। हम लोग जैसी लाइफस्टाइल पहले से जीते आए हैं वैसे हम लोग लाइफस्टाइल जीते नहीं है। जैसे कि सपोज हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में कैसे होता है कि सुबह उठ के हम लोग नहाते हैं और फिर बाद में हम लोग चाय का कंजम्पशन करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि वो लोग बेट टी लेते हैं। बेट टी का मतलब क्या होता है कि बिना फ्रेश हुए वो लोग टी कंजम्पशन करते हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करते जा रहा है। या जिस तरीके के कपड़े हम लोग पहनते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर में अलग टाइप के कपड़े जो होते हैं वो प्रिफर किए जाते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट के अंदर हम लोग को वेस्टर्न कल्चर दिखाया जाता है, तो वो एडवर्टीजमेंट हमारे लाइफस्टाइल को भी कहीं ना कहीं पे अफेक्ट कर रहा है। सो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट वैल्यूज को, मटेरियलिज्म को और लाइफस्टाइल तीनों को अफेक्ट करता है। देन एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेस रादर देन हेल्प्स, मतलब इतने सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट से लोगों को बम्बार्ड किया जाता है, मतलब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लोगों को दिखाए जाते हैं और वो भी अलग अलग ब्रांड्स के बारे में। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू मार्केटर क्या करता है, लोगों को बताता है कि उनका प्रोडक्ट कैसे दूसरे ब्रांड के कंपेयर में सुपीरियर है और उसकी वजह से कंज्यूमर जो होते हैं वो टोटली कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको परचेस करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि सोप में इतनी सारी वैरायटी है और ये सब सोप की टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है या दूसरे जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं। देन बिस्किट में बहुत सारी वैरायटीज होती है, मोबाइल फोन में, कपड़ों में, ऐसे हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट की काफी सारे वैरायटीज अवेलेबल होते हैं और हर एक जन यहाँ पे क्या कहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है सुपीरियर है करके। तो कस्टमर को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए और कौन सा परचेस नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग जब भी मार्केट में कोई भी कपड़े वगैरह परचेस करने को जाते हो, मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हो, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो। एक दो दिन में हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोडक्ट हमको परचेस करना चाहिए, कौन सा ब्रांड हमको परचेस करना चाहिए, बिकॉज हर एक ब्रांड में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और हर एक ब्रांड जो है ये क्लेम करता है कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है।
सो हम लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर बाद में कहीं ना कहीं पे हम लोग को वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को यहाँ पे हेल्प करने के जगह पे कंफ्यूज ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ बम्बार्डिंग ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो ये सारे सोशल इश्यूज थे एडवर्टाइजिंग में, जहां पे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट का सोसाइटी पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।